दोस्तों, एक बुर्जी हमारा बन के तैयार हो चुका है। हमने बहुत ही झटपट और कम सामान पे बना के दिखाया है। बहुत ही टेस्टी एक बुर्जी, इसी तरीके से सर्व करें बना के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। मैं हूं अब्दुल मलिक। आज जो है एक बुर्जी, अंडा का बुर्जी बनाएंगे और इसे बहुत नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु पे बोलते हैं मुट्टई पोड़ीमास, और एक बुजिया, एक ब्रूजी, बहुत सारे नामों पे जाना जाता है। के लिए हमने 3 अंडा लिए हैं और टोमाटो चॉपिंग कर लिए हैं। टोमाटो बड़ा वाला 2 है, जिंजर और गार्लिक है, और ग्रीन चिल्ली है, और ऑनियन जो है बड़ा वाला 2 है। ठीक है, अंडा ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ। अगर एक ब्रूजी आप सही से बनाओगे तो बहुत ही बेहतरीन टेस्टी बनता है, अगर आप रेसिपी अच्छी तरीके से बनाते हो तो। हम लोग होटल पे जो है बनाते हैं एग बुर्जी, और इसे अच्छी तरीके से फेंटने से क्या होता है, आपका जो है अंडा में लम्स नहीं रहेगा, और जो रहता है ना एयर आउट करना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ना, बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लिए हैं। चलो अभी अंडा बुर्जी बनाते हैं। हमारा नॉन स्टिक पैन जो है हीट हो चुका है। इस पे ले रहे हैं दोस्तों 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हीट होने के बाद में थोड़ा सा जीरा, और इसके बाद में देना है ऑनियन चॉपिंग। हमने जो ऑनियन कटिंग किया है देख सकते हैं ना, मतलब बारीक कर लिया है। अगर आपको चाहिए बड़ा वाला बुरुजी करना है, बड़ा वाला साइज, तो आप बड़ा वाला ऑनियन कटिंग करें, थोड़ा बड़ा वाला टोमाटो कटिंग करें, नाइस ना करें। अगर नाइस चाहिए बुरुजी, इस इतना ही बड़ा चाहिए बुरुजी, तो इतना बड़ा ऑनियन कटिंग करें, और इसे पूरा पूरा ब्राउन नहीं करेंगे दोस्तों, इतना ही करना है। और इसके बाद में ए स्टेप में आने के बाद में जिंजर और गार्लिक जो हमने कटिंग करके रखे थे वो डाल देना है, क्योंकि जिंजर गार्लिक थोड़ा कच्चा है, अच्छी तरीके से थोड़ा पकना चाहिए, उसके लिए डाल दिया हमने। इसे थोड़ा सा चलाना है, 1 मिनट तक इसे चलाना है। बाद में देना है ग्रीन चिल्ली, ग्रीन चिल्ली चॉपिंग, बड़ा वाला ग्रीन चिल्ली हमने 2 लिए है। बाद में देना है दोस्तों टोमाटो चॉपिंग। टोमाटो जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इसे थोड़ा सा सौते करना है। टोमाटो डालते ही डालना है इसे नमक, टमाटो गलाने के लिए मसाला देना है। दोस्तों मसाला देंगे जीरा पाउडर दोस्तों, और धनिया पाउडर, गरम मसाला, चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद में इसे जो है मिक्स करना है, मसाला को अच्छी तरीके से भून लेना है। उस टाइम पे जो है फ्लेम रखना है स्लो फ्लेम, ताकि आपका मसाला जले ना। करना है हमने जो अंडा, देखें जो अंडा मिक्स करके रखे थे वो डालना है, और फ्लेम को हाई करना है। 3 अंडा का बनाया है दोस्तों। अभी जो है तुरंत मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को और भी स्पाइसी चाहिए तो चिल्ली पाउडर थोड़ा और ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन हमें तो और ज्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए दोस्तों। अच्छी तरीके से जो है मसाला मिक्स हो चुका है अंडा पे, देखें कितना मस्त जबरदस्त बन के तैयार हो चुका है अंडा बुर्जी। इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है घरों पे अंडा बुर्जी। और दोस्तों आप लोगों को अगर पसंद है अंडा बुर्जी ग्रेवी, एक बुर्जी ग्रेवी, तो कमेंट करें। एक कीमा करी अगर चाहिए रेसिपी, अगर आप लोगों को देखना है तो प्लीज कमेंट करें, हम बना के आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा एक बुर्जी बन के तैयार हो चुका है, और आप लोग इस पे यूज कर सकते हैं पाव भाजी मसाला और बटर घी यूज कर सकते हैं, कोरिएंडर लीव, करी लीव, ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे शेफ जो है करी लीव डालते हैं, साउथ इंडियन स्टाइल से ब्लैक पेपर डालते हैं, हमने जो है नॉर्थ इंडियन स्टाइल से बनाया है दोस्तों। तो अभी हमारा बन के तैयार हो चुका है, इसे अभी प्लेट पे लगाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों प्लेट पे डालना है। बुर्जी हमारा बन के तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन जूसेली एक बुर्जी। इसी तरीके से जो है आप लोगों को बनाना है दोस्तों घरों पे।
रेस्टोरेंटों पे, ये जो है हमने बहुत ही झटपट और कम सामान पे बना के दिखाए हैं, बहुत ही टेस्टी एग बुर्जी। इसी तरीके से सर्व करें बना के। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।